मतलब सौ गुना ज्यादा मुझसे दुनिया देखी mm -hmm. स्टार्स बड़े बड़े स्टार्स सीधे किड्स स्मॉल स्मॉल स्टार्स स्मॉल स्मॉल एक्टर्स सीधे किड्स आउटसाइडर्स सी mm -hmm. सीधे mm -hmm. सी बहुत फर्क है बहुत फर्क है ना नथिंग टू डू कुछ नहीं कर सकते आपके स्टार डैडी हैं स्टार मदर हैं स्टार प्रोड्यूसर हैं नथिंग तो चलिए एक बार फिर आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ डीएम के शो को लेकर बीच में मैंने थोड़ा विराम लिया था मैं अभी इसे आगे बढ़ा रहा हूँ और अलग अलग आयाम से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग अचीवमेंट हासिल करने वालों को बुलाना चाहूँगा और मेरी इस नई कड़ी के बीच में मेरे जो सेकंड गेस्ट हैं वो मैं जानता हूं आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं बट मैं एक ऐसी सेकंड जनरेशन के युवा को बुलाना चाह रहा था जो पहली जनरेशन कैस्टो मुखर्जी साहब है ना आई 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 लाइक सम एक्टर्स लाइक इवन राजेंद्र नाथ जी और सो like like <laughs> करते थे और ये कैस्टो मुखर्जी साहब पीने के टाइम पे जो एक्टिंग करते थे ना मैं हंसे बगैर नहीं रहता था तो उनका उनका जो मतलब आपको लगेगा कि ये बंदा पिया हुआ है जबकि वो कभी इन्होंने जिंदगी में शराब नहीं पिया

खानदान का होने वाला बच्चे का और होगा करण जौहर के जौहर साहब के वहाँ सबका अपना अपना एक एक बचपन होता है जिसके अंदर बच्चे बड़े होते हैं तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा जरूरी नहीं सबका एक्सपीरियंस सेम होता है बाप का छाया साये में कोई लोग पलते हैं कोई लोग बाप के साया को नहीं इस्तेमाल करते मैंने भी अपने भाई साहब की पहली फिल्म में काम नहीं किया था मुझे भी थोड़ा अहम धन्य मैं पहली फिल्म नहीं करूंगा भाई साहब की मैं दूसरी बाहर से काम किया फिर कभी मैंने भाई साहब की फिल्म में काम भी नहीं किया खुद है अपना अपना एटीट्यूड सो लेट अस मीट बबलू मुखर्जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कई बातें उनसे मैं भी सीखूंगा मैं भी जानूंगा आप भी जानेंगे तो आपको ये तो मैं आपको अभी मिला देता हूं तो चलिए मिलते हैं बबलू मुखर्जी से नमस्ते जी किसे मिलना है आप पितामा जी हैं पितामा जी नहीं है पर उनका छाया चित्र है अच्छा आ, शक्तिमान जी है? नहीं सर शक्तिमान जी भी नहीं है कहाँ है फिर वो उनकी फिल्म आ रही है तो उसकी तैयारी में बिजी पड़े शक्तिमान जी सर वाह क्या बात है आ, ओके मुकेश खन्ना जी हाँ हाँ सर मुकेश जी हैं यस yes. yes, सर मिल सकता हूँ हमसे जी सर प्लीज बुलाइए सर ना दोस्तों ष्म पिता माँ से डायरेक्ट आशीर्वाद मिलने वाला है अरे अरे यार इनडायरेक्ट भी ले लो डायरेक्ट भी ले लो आयुष्मान भाव जीते रहो, जीते रहो आ आ ये बात मैं नमस्ते करता हूँ हाथ नहीं मिला नहीं करता ओके okay, ओके okay. ये हमारी परंपरा है देश की इसको तुम भी पकड़ के रखो डोंट शेक हैंड्स ओके ओके और बबलू नाइस ऑफ यू टू कम जस्ट डेज नोटिस एंड मैं आपके आपके शर्ट में भी इतनी सारे जग मग वग है उसके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा होगा मैं निकालना चाहता हूँ <laughs> बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ बैठ के बाद ओके सर आइए बबलू मुखर्जी सन ऑफ ग्रेट

सो so, uh, बबलू uh, मैंने आपके लिए मैं मोस्टली जितने भी मेरे आते हैं गेस्ट मैं सीबीआई की तरह उनकी पूरी इंक्वायरी करता हूं और क्वेश्चन बनाता हूँ तुम्हारे नहीं हुई सो so, ये क्वेश्चनियर जो है वो तुम्हारे नहीं है okay. तो मैं अभी हर डायरेक्शन से तुम्हारे पर तीर छोड़ूंगा सवाल तुमको दूंगा तुमको जो सवाल का जवाब नहीं देना हाथ उभर करके नोबॉल बोल सकते हो और जो देना है वो दे देते रहते हो तो शुरू करते मैं मैं चाहता हूं कि बबलू मुखर्जी को मैं और जानूँ और पब्लिक को भी मैं चाहूंगा वेरी गुड एक्टर आ, कमाल की एक्टिंग करते थे उस जमाने में मैंने इनके हम लोग ने टकराए थे एक दूसरे से ज्यादा नहीं बट आप जानते हैं कि अच्छे एक्टिंग करते तो इनके इनकी हिस्ट्री इनकी जोग्राफी इनकी साइंस इनकी केमिस्ट्री मैं इनके मुंह से सुनना चाहूंगा सो दैट मैं भी जानू आपको तो बबलू टेल मी कहाँ से ओरिजिनली आए तुम बंबई के हो कि बाहर के होदर तुम्हारे फादर वो कैलकटा से आए हैं कैलकटा में थे वो

सो so, ऐसा था उनका तो लेकिन उनके बारे में हां मेरे जो मामा चाचा उन्होंने बताया था कि ही वाज हाईली एजुकेटेड एंड ही वाज अ नॉवेलिस्ट नॉवेलिस्ट वेरी सीरियस पर्सन थिएटर पर्सन फिर वो आ, राखी जी विश्वजीत जी उस जमाने में तो वही थे तो उनके साथ थिएटर करता किया करते थे थिएटर तो किया तो उनके साथ वो बॉम्बे में आए थे तो और मैं पैदा हुआ था कलकत्ता में कलकत्ता में पैदा मैं जब मैं 6 महीने का था तब बॉम्बे में

ओके okay. तो तुम्हें काम तो, मिलना शुरू हुआ जी हाँ तो जलाल भाई के साथ असिस्ट किया उनके सील में उनके एड्स में एंड देन इन बिटवीन 83 84 में केतन मेहता जी की फिल्म होली होली फिल्म आई थी yes. उसमें यार तो काफी यंगस्टर्स से इवन आई वाज वन ऑफ देम मेनी एक्टर्स बने एंड जो भी बड़े-बड़े टॉप स्टार्स एंड डायरेक्टर्स हैं हाँ, हाँ। फिर मास फिर 85 से मेरा सीरियल आया छोटी-बड़ी बातें

बड़ी बड़ी सुशीलें बड़ी बड़ी कर। श्रीमान श्रीमती और ये और वो तो वो तुम करके निकले आगे फिर उसके बाद तुमको डिफिकल्टी को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी करियर में नहीं ना मिस, मैंने कोई जब मैगजीन और इंटरव्यूज ये वो छपने लगे तब जाके मानना पड़ा

जी, ही ये ज़्यादा चले तो काम की वजह से काम नहीं सॉरी बिहेवियर की वजह से उनकी फिल्म भी फ्लॉप हुई लेकिन एक प्रोड्यूसर होता है जिसको कोई एक्टर तंग करता है ना तो बोलता है कोई आर्टिस्ट को होता है कभी कभी तो ये भी देखते हैं है, को बुलाया इसको नहीं बुलाना उसको लेकिन एक आदमी ने अगर आपको ना तो उस प्रोड्यूसर की लाइफ बन जाती बिल्कुल ना उसको बोला यार उसको बोला वो कुछ टेंशन नहीं देता आपने को जो भी एक्टर है मेरे ख्याल से उनको ये समझना चाहिए कि वी आर नथिंग इफ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर डोंट एक्सेप्ट अस यू आर फिनिश्ड खत्म सो हु इज गिविंग यू वर्क यू हैव टू बी यू हैव टू सैटिस्फाई देम

कहा मैं भी तुमको गुलदस्ता दूंगा मैंने गुल दिया। कमाल हुआ। और, और ऐसे लोग ही चलते हैं तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ तुमको से समझ ना गया। uh, am, मैं अपने के नाम से hmm. मैं करूंगा, मैं का नाम खराब नाम भी खराब होगा अगर मैं अच्छा हूँ तो डैडी को डैडी की भी तारीफ होगी खुशी मिलेगी बट अगेन टू दैट ग्रेटिट्यूड फॉर द फादर दादा दादी आई अप्रिशिएट जो बच्चे लोग परम्परा में अपने पलते हैं न क्योंकि आजकल के बच्चे गूगल को माँ बाप बना दिया है oh, yes, <coughs> तो तुमने मेजोरिटी में समझता हूँ कॉमेडी ही किया होगा कॉमेडी yes. जी सीरियस uh, रोल कभी नहीं किया

तो उन दिनों में मम्मी को भी संभालना है भाई को भी संभालना है प्लस हाउस प्लस डैड का ये वो ये वो अपना काम पढ़ाई एंड देन फिर भाई के डेथ के बाद मम्मी वेंट एब्सोल्युटली बजर तो ऐसा तो कई बार होता था मैं मैं सोशलाइज करने को मुझे मौका नहीं मिला अगर सोशलाइज करते हैं तो मुझे एक सपोर्ट मिलता है hmm.

तभी दिलीप कुमार ने देखे एक साल में दो फिल्में बस आज दस दस फिल्में करते हैं और रिजल्ट क्या हर फिल्म को उनको फिल्म पे अवार्ड मिलता तो ना करना मैं मानता हूँ इस इंडस्ट्री में आ, हो, होना चाहिए सो सो देन देन हाउ डिड योर करियर मूव कितने कुछ फिल्मों के नाम बताइए पब्लिक को भी और मेरे को भी शुरुआत में जो सबसे हिट फिल्म थी वो थी दिल दिल अच्छा। इंद्र कुमार जी की फिल्म तुम थे उसमें या yeah. दिल में अच्छा ये अपना अरुणा अनिल श, अनिल कपूर नो no, नो no, no. वो आमिर खान माधुरी दीक्षित हाँ आमिर खान अच्छा आमिर खान माधुरी हाँ, वो वो वाला बेटा है वो बेटा था जो है पहले किया क्योंकि मैंने राजा किया है जाके उनके साथ oh, yes, yes. okay, दिल किया uh, दिल एन चंद्र जी के साथ तेजस्विनी उनका नरसिम्हाल जी की डायरेक्ट किया खुद जी

जोश अग्नित शाहरुख हाँ। खिलाफ चंकी माधुरी हम हलचल अजय देवगन एंड काजोल ओके एंड मेनी मेनी मोर आंटो दो बिकॉज़ बिकॉज़ मैं आ... और, और इतने सारे फिल्में मैंने रैंडमली किया बिकॉज़ जस्ट वांटेड टू वर्क आई जस्ट वांटेड टू वर्क

गुड आई मीन आई वुड अप्रिशिएट बट तुमने फिर बंगाली नहीं किया बंगाली तो तुम थे ऑलरेडी हां लेकिन वहां से कोई ऑफर वहां से कोई ऑफर नहीं आया कोई ऑफर नहीं आया क्योंकि उनको कॉमेडी नहीं चाहिए होगा उनको को क्या है वो बाबा या ऐसे रोल चाहिए जो सीरियस सीरियस हो गए गॉड नो 17 इयर्स ट्रैवलिंग एक स्टूडियो स्टूडियो अच्छा बस घर में जाता नहीं था 17 इयर्स कंटिन्यूस बाय यू डिड दैट ओके बट रैंडम जो काम मिला एवरी एनीथिंग यू डिडंट वांट टू सेट आइडल गुड बिकॉज़ टू से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कई लोग बोलते हैं कि डैडी केशोदा भुखमरी में गए नो आई वुड से ही वाज़ अ मल्टी मिलियन ही वाज़ अ वेल जू में बड़ा फ्लैट उनका वेल टू डू प्रॉपर्टीज ये वो ये वो सब खा गए लोग लेकिन खा okay. गए फ्लैट छोड़ के बाकी कुछ चीज छोड़ के लोग खा गए वो नाम भगवान दादा के साथ में भी यही हुआ था।

कैसे मुश्किलों में मरे ऐसे ऐसे लोगों के नाम मैंने कहा दे मेक आइटम्स आउट ऑफ दैट सेवन मिनट एट मिनट और होता कुछ नहीं है वो लोग झूठ झूठ बोलते थे कि वो देखिए इतने बड़ी एक्टर थे और किस हालत में उनकी मौत हुई really? क्या है यार मतलब तो से कमाई करना है मैं इनके साथ हूँ इन्होंने अभी आपको जो कुछ भी कहा है फॉलो करिए जस्ट बी केयरफुल ये सारे सारे टी के मारे हुए आदमी हैं जो सडनली अपने अपने थंबनेल में लिखेंगे कि देखा उसने उसकी तो छुट्टी कर दी उसने कटोल ने क्या उसको बोला अब तुम खोल के देखोगे तुमको वो सलाह दिखेगा ही नहीं उसमें कि चीट कर रहे ना आप सब ओके okay, तो इस 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 सारी तुम्हारी जो करियर हुई इसमें तुम मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब तुम कॉमेडी का रोल ही मिला होगा जूनियर महमूद के साथ थे

नो, पार्टियां वार्टिया में जाता होगा ये करता होगा ग्रुप के साथ घूमता होगा को तो ड्रिंक नहीं करता था फ्रेश आता था सुबह लेकिन वो तो वो तुमने किया जी बट तुम नहीं ड्रिंक पीते हो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स दो Yes, so, people should also understand this. Uh, अपने दिमाग में एक ब्रैकेट uh, um, uh, सा बना रखा था डोंट गेट इन्वॉल्व इन बैड थिंग्स ड्रग्सिंग गुड का सिगरेट एंड स्मोक स्मोक एंड नो ड्रिंक्स नो ड्रिंक् ऑल दिस थिंग्स विच विल गेट इन प्रॉब्लम एंड डू हैव एनेबल

कितने साल तुम इंडस्ट्री में ले तुमको इंडस्ट्री का क्या शिकायत है या इंडस्ट्री की तरफ से कुछ तुम मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के टाइम पे आप जो भाषण देते थे एंड आपको देखा आई वाज पॉलिटिक्स में 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 घुस गया था बीच घुसे तो उस वक्त यू 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 मुकेश जी मुकेश जी मुकेश जी वेर योर स्पीच वॉज लाइक किलिंग स्टेट ऑन द फेस ऐसा है वो ऐसा वो ऐसा ये अच्छा वो अच्छा माइंड सर 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 मैंने जी के पे शक्तिमान बड़ों के, के, शक्तिमा, <laughs> बड़ों के वो बच्चे भाग के आते थे बैठ जाते थे उनका कोई वोट नहीं होता था बट यू आर राइट उस जमाने में मैंने बहुत स्पीचेस बहुत वो किया है पर आजकल मेरे लिए प्लेटफॉर्म बन गया मेरा चैनल तो

सीरियल hmm. में अगर शूट हो रहा है यू सी द मॉनिटर ना भाग भाग के जाते हैं हाँ अभी वो नहीं है अभी तो फिल्म में भी मॉनिटर है ओके एंड सीरियल में मॉनिटर देख लो देते नहीं है नेक्स्ट अच्छा बिकॉज इट इज सो फास्ट सो कितने साल तक आप थोड़ा सा बीच में अपने पॉज लिया एनी रीजन और काम नहीं मिल रहा था आई हैड गॉट अ बैक प्रॉब्लम बैक प्रॉब्लम आ गया था अच्छा yeah.

वो तो पेन किलर है उसका लुक्स नस क्या है उसका दर्द प्रॉब्लम का वो नहीं आना पड़ता था अब जाके मान पड़ा एंड आई एम ऑपरेशन हुआ अभी तो मैं भक्ता हूं ये वो क्या तो क्यों किया उन्होंने थाइस का प्रॉब्लम था कमर का कमु... स्पाइनल कॉलम का था स्पाइन आर्टरीज आर्टरीज जो, जो जो यहां से जाती है हां मेन स्पाइनल कॉर्ड से जाती है जो दोनों थाइस में जाती है जी जी तो वो ब्लॉक्ड थी तो खोला उन्होंने

तो are, देखो इसको डेस्टिनी बोलते तुम ठीक इसीलिए हुए तुमको मुकेश करना शो में आना है वर्क फिजिकली नॉट नथिंग वर्क नहीं मिला कोर्स सब hmm. कुछ नहीं और सुना है बीच में तुमने कभी कोई योर बच्चे हैं शादी है, है मैरिज कितने बच्चे हैं क्योंकि मेरे कोई बच्चा नहीं है मैं तो शादी नहीं किया मालूम <laughs> तो तुम्हारे तुम्हारे uh, uh, है जो अभी 28 की है रे? दो बेटे हैं जुड़वे जुड़वे जुड़वे। छब्बीस साल के हैं अच्छा दोनों क्या हो जाते हैं धीरे धीरे अलग हो जाते हैं बड़े सेम दिखते हैं कुछ चेंजेस आ जाते हैं बहुत चेंजेस है स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है ये भी होता है ये भी होता है हाँ। कभी अच्छा है तो कभी ये बुरा मतलब कभी इसको गुस्सा है तो कभी इसको प्यार है कभी इसको गुस्सा तो कभी इसको, इसको, इसको प्यार है तो उसको गुस्सा है ऐसा चेंज होता रहता है बट दोनों सेम मेंटेलिटी के एक साथ रहते है। नहीं है पॉसिबल होता ही नहीं है इट्स भगवान बनाता है भी कमाल कमाल तो तुमने वो देखा पूरी लाइफ उन बच्चों के साथ जी जी तो दो लड़के एक लड़की हाँ जी ओके और

उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और वो मुरली देवड़ा के yeah. so so, so. so, सामने तो आ रही जो मुरली देवड़ास्ट इलेक्शन

मुझ मैं सबसे है, नहीं है सर नहीं attitude. उसमें ऐसा है कि यू कीप अवे फ्रॉम दैट पार्टी दैट पार्टी दिस पार्टी अब हम जब कैंपेनिंग कर रहे थे hmm. तो दूसरे पार्टीज के जो एमएलए एक्स मतलब वेटरन ओके ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट मतलब बूथ जो आजू बारी में आई आई कांट गो एंड मीट हिम ही कांट कम एंड मीट मी बिकॉज़ यू आर फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शन हां एंड हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं मींस <laughs> कितने बार एमएलए बन चुके हैं वो इनफैक्ट एमपी एमपी ही सो आई कुडंट गो एंड मीट हिम

तो अभी तो खर uh, काफी पोटेंशियल बन गया है सो तो यू यू हैव हैव यस लाइक और uh, क्या आगे का क्या फ्यूचर प्लान किया है अभी तो तुम ठीक हो गए हो तो डू यू अप्रोच प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स और यू वेट फॉर जो पहले दोस्त थे अभी सब नए लोग आ गए हैं hmm. तो किसको अप्रोच करें हैव डिफरेंट अप्रोचिंग भी 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 बहुत बहुत ही अलग अलग के हो 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 गया है। बहुत अलग हो गया है अभी तो स्ट्रगलर इतने इतने गए गए कि ऑडिशन ऑडिशन लिए जाते रहते हैं से वहां, वहां से वहां मैं एक्टिंग क्लास मैंने सुना तुमने स्टार्ट करके रोड कि वहाँ के बच्चों के जैसे वहाँ के पेरेंट्स बोलते थे कि आप कुछ कीजिए कुछ कीजिए बच्चों के लिए तो कुछ क्लास कीजिए तो मैंने स्टार्ट किया था पर ये रोड हाँ। okay. मेरा, मेरा अपना अंधेरी में माड़ा के पास शक्तिमान तो वहाँ भी मैं स्ट्रगलरों को बोलता हूँ कि कोई आपको काम नहीं हम देंगे आपको ये मत मान लो कि एक्टिंग क्लास के तो आपको काम है बट विल हेल्प यू टू गो टू दिस ऑडिशन दैट ऑडिशन तो आजकल तो वो जमाना चला गया हमारे जमाना हमारे जमाना अभी तो जगह जगह बन अरे उधर एक उधर प्रोजेक्ट बन रहा है एक उधर बन रहा है इधर ये हो रहा है बच्चे घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं यू राइट सीन हर यू चेंज तो अभी तुमको फिर वेट करना पड़ेगा कोई बुलावे तो कभी आई एम नॉट बी आई एम नॉट कीन आल्सो गुड ओके मिला जैसे कभी मिल गया स्वस्तिक वंशज आई नो देम एंड इस रामायण को गालियाँ दे चुका हूँ <laughs> करके रामायण करके जूते जु, जु, पहन के वो करके रामायण बना रहे मैंने कहा अच्छा ठीक है तो क्या करना चाहते हैं बोला की वो सर आपको विश्वामित्र का रोल

बट मेरे कुछ किंतु परंतु आ गए मैं दाढ़ी नहीं लगाता मैं विलन नहीं करता और अब ये तीसरा एक शगुफा डाल दिया है मैंने रोमांटिक सीन नहीं करता लेना है तो लो नहीं लेना मुझे पता है क्योंकि महाभारत और रामायण के शो के टाइम पे कृष्णा भी महाभारत एक और बनाई चली नहीं थी एकता के बाद स्वास्थिक बनाई थी तो मेरे साथ बैठे हुए थे जब उन्होंने रजेश शर्मा ने अपने कॉन्क्लेव में बुलाया था हम लोग को तो वहां पर मेरे नेक्स्ट इसी को बुला के रखा था स्वास्थिका का कौन है डायरेक्टर मेन है, है जो आदमी uh, सिद्धार्थ तिवारी था। था। वो ऊपर आया बैठा था तो है बट अभी मैं मैंने कहा सर मैं माइथो अभी नहीं करता okay. माइथोलॉजिकल मैं भी नहीं करता ग्रीन कार्टन के ऊपर करके रखा हुई इतनी दाढ़ी यहाँ तक आ गई है मेरी इतने महाभारत चिन्नी सौदागर जितने भी, अब भी इतने बड़े बड़े फिल्म्स कर चुके हैं I mean, है और, और जैसे, जैसे है, बच्चे होते हैं कहीं, कहीं एक आजकल देखो आज के एक्टर थोड़े स्मार्ट हो गए क्योंकि इंडस्ट्री का पता नहीं कब आपको काम मिलना बंद हो जाएगा तो सोर्स ऑफ इनकम यही होता है कि आपके प्रॉपर्टी है आपने रेंट पे चढ़ा दिया तुमने कभी इसके ऊपर कर भी नहीं पाए होंगे या सोचा भी नहीं

मैंने इसी मुकेश खन्ना फंड खोला एमकेएफ वाओ तो मैं उसमें चैरिटी करने का भी स्टार्ट किया तो हम अभी स्कूल ढूंढ रहे थे जहाँ मैं उनको मैं कॉपियाँ नोटबुक्स वगैरह दूँ तो किसी ने थाना सजेस्ट किया किसी ने वहाँ का सजेस्ट किया किसी ने वहाँ का किया तो अभी तुमने कहा मीरा रोड है और और फिर नो कोई वो नहीं है बड़ा अच्छा नहीं।, नहीं तो मैं अपने आदमी को बोलता हूँ इनका एड्रेस लेके रखो हम शायद आएंगे अगले महीने आप आएंगे बहुत अच्छा आ, मुझे मुझे अभी अच्छी अच्छा ऑप्शन मिल गया विल दैट बिकॉज मैं बच्चों के साथ जितना करीब हूँ कोई नहीं है मतलब कई लोगों ने मुझे कहा था सर कि सर आप आज भी आपने हमारा बचपन बनाया है आज तीस साल के हो गए उनके बच्चे हैं पर उनको याद है नाइन्टी से शक्तिमान शक्तिमान के बारे में बच्चों की बातें हैं वो सो कुछ मेरी बच्चों की से केमिस्ट्री बहुत टेरिफिक कम केमिस्ट्री एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से अबाउट योर एक्सपीरियंस विद द फिल्म इंडस्ट्री यू यू हाउ वॉज दिन शॉर्ट इफ आई से वट वॉज योर एक्सपीरियंस फ्राम एटी टू आफ्टर यदर टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वर यू बिकॉज आपके मुझे अभी थोड़ी देर पहले निकली कि मेरी प्रॉपर्टी थी सब साले खा गए ये मुझे कई लोगों का एक्सप्रेस था मुझे टचवूट mm -hmm. मेरे को अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला भगवान ने मुझे बचा कह देखा टचवीन मैं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो मुझे ऐसे आदमी बट कभी, कभी मैं उन लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ ऐसे लोग भी होते हैं हाँ सर खा जाते हैं पूरे yes. का पूरा खाना

वो लोग बोलते ऐसा थे, दादा ऐसा था वाओ like like wow. नरेंद्र बेदी जी का लड़का भी मानिक बेदी नहीं कौन सा उन, उन, उनके उनकी उनकी फादर मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे खूनी गॉड फादर में बन रहा था उसमें okay. तो उसको मैंने बुलाया ना तो बोला सर मेरे को इज्जत करता बोला बोला सर मैं मैं ऐसे लोगों से मिलना चाहता हूँ जो मेरे फादर के साथ रहे

जैसे बड़े बड़े एक्टरों की नाइट्स होती हैं, उनकी भी कोई ऐसी नाइट्स थी कि जी जी बहुत कैस्टो really? अच्छा। शो, हाँ। अच्छा। uh, हाँ। अच्छा। oh, तो शोज पे जाते थे तो खास करके दुबई का जो मैंने सुना है जो उनका ऑर्गेनाइजर ने मुझे बताया उनके साथ भी मैं बताऊंगा ऑर्गेनाइजर का तो बोलते हो गया फंक्शन जब प्राइवेटली बैठ रहे हैं लोग तो सब ऐसा सा चेन निकाल निकाल के देते थे डैडी को बोलते इतना भर जाता था उनका अच्छा चेन दुबई वाले चेन तो ना देते हाँ। oh. डैडी निकाल के रख देते थे oh. एंड इंडिया से आया हूं, मैं वही लेके जाऊंगा एक चीज एक्स्ट्रा नहीं लूंगा कुछ भी नहीं लेकर आते थे बाहर से मतलब जो कुछ यहाँ से खरीद के दूंगा

मैं आई थिंक काफ़ी बातें हमने कर ली हैं अपने और मैं तुमको विजयी भाव का आशीर्वाद देना चाहूँगा क्योंकि फिर से तुमने अभी स्ट्रगल अपनी शुरू किया क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ रियल स्ट्रगल बबलू बिर हमारे यहाँ पर यह है कि मैं सवाल आपको पूछता रहता हूँ जबकि मैं शुरुआत में मेरे पर ही लोग सवाल डालते थे मैं जवाब देता था हमने एक छोटा सा एक फौर, इसका फॉर्मेट बनाया कि अगर आपको मुकेश खन्ना को कोई सवाल पूछना हो तो आप क्या पूछेंगे चलिए माइक मैं, मैं आपको बॉल दे देता हूँ क्रिकेट बैट मेरे पास बॉल तुम्हारे पास ये जनता का सवाल है जो दीजिए मुझे बताइए जनता की तरफ से ओके बिकॉज़ सिंस मैं आई बीन सीइंग यू आई बीन योर फैन बिकॉज़ योर और योर पर्सनालिटी उफ ओके टिल नाउ अभी ये इंटरव्यू आप पे आने के पहले भी मेरे दिल में ये सवाल था पर्सनल है ओके okay. शादी क्यों की <laughs> यार एज ओल्ड सवाल तो पूछ लिया है ये तो भार सब लोग तंग आ गए सब ये तो, ये तो में सब okay. मेरे से ज्यादा कोई भी मैरिज इंस्टीट्यूट को बिलीव नहीं करता होगा क्योंकि okay. मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ शायद कोई नहीं देता माफ करना मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैंने मेरे मेरे चार भाई हम लोग छोटा हूँ तीन भाभी मेरे साथ मैं एक अकेला ही रह गया उपर, मुझे बहुत फोर्स भी किया था बट बट मेरे को ये बात है कि मैरिज या तो मैं, मैं मैरिज में बिलीव न करूं मैंने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि हर व्यक्ति भोला बोलता है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए पत्नी को पतिव्रता होनी चाहिए अरे साहब कोई बोलता है कि पति को पत्नी व्रता होना चाहिए आई रिस्पेक्ट बट मैरिज यहाँ लिखी रहती है होनी होती है तो होती है नहीं होती है, नहीं होती है और मुझे अपने फादर का एक डायलॉग याद आ गया जब महाभारत चल रही थी आज से तीस चालीस साल पहले जब फर्स्ट टाइम प्रतिज्ञा आई थी सबके सामने जो और ज़माने में पूरा इंडिया देखती थी एक साथ में बैठ टीवी में तो मेरे फादर को कम दिखता था तो वैसे के देखते रहते थे उनका आवाज भी आती थी वो थोड़ा देखते थे टीवी पूरी फैमिली देखती उस जमाने no? दे, 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 so, में आई डोंट नो चारों दिशाओं धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं आजीवन विवाह नहीं करूंगा वंशहीन ही जीऊंगा वंशहीन ही मरूंगा ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है रोंगटे खड़े होते हैं सर वही बाप रे मिलता लोग ऊपर से फूल बरसाते हैं वहां पर फ्रीज भी हो जाता है हां अब हम लोग सडनली फादर की आवाज आई वेद वेद मेरे बड़े भाई का नाम हाँ। इधर आ ये प्रतिज्ञा किसने ली देवव्रत ने ली कि मुकेश ने ली अरे बाप रे हमने स्माइल किया बट उनकी बात सही साबित तो हुई आज इतने हम अब सोचते हैं कि मैंने इतनी जोर से प्रतिज्ञा ली होगी कि मेरी शादी

फाइन अग्री ओके पर प्यार नहीं हुआ <laughs> इंसान को इम्पॉसिबल ये देखो ये ये लॉयर के पास एक होते हैं लीडिंग क्वेश्चन You're putting the words in my mouth. <laughs> कि ये हुआ होगा सर ये हुआ होगा सर ये हुआ होगा <laughs> जज दूसरा दूसरा लॉयर बोलता है सर लीडिंग क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन तो जज बोलता है ऑब्जेक्शन सस्टेन डोंट आस्क हिम सच ग्रेट ओके ओके डोंट गेट सो सो माय स्टोरी इज दैट कि शादी मेरी अगर होनी होगी तो बच्ची अभी तो पैदा नहीं होगी तो होनी होगी तो होगी होगी तो, हो तो, हो तो, हो 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 तो दुनिया जानेगी अब नहीं हुई शादी तो मैं मैं बिलीव इन शादी दो आत्माओं का मिलन होता है हुँ. आप ऐसा नहीं है कि शादी म, शा, आज शादी कल डाइवर्स माफ करना तुमने डाइवर्स किया पर फॉरेन कंट्री में डाइवर्स ज्यादा होते है मैरिज कम होती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हमारे यहाँ मानते तो

Still, आगे से कोई भी मुकेश खन्ना जी को नहीं पूछेगा कि आपने शादी क्यों नहीं की ठीक <laughs> है ना चलो तुम्हारी बात वो तो लोग मानेंगे बिकॉज तुम बहुत फोर्स करके बताते हो उन लोगों को वो लोग बोलेंगे <laughs> हाँ हाँ सर हम नहीं करेंगे हम नहीं पूछेंगे <laughs> चलिए और लेट कम टुवर्ड्स द एंड अपना बबलू मैंने तुमको बुलाया तुम एक ही

अनलक्की फटाक से नोटिस था कि कर, करना और रंधावा का लड़का बोला सर okay. मैं जा रहा हूँ पंजाब अगले हफ्ते आऊँगा तो शायद उसका इंटरव्यू तब पीछे गया okay. पर तुम मिल गए और बिजनेस तो so तो nice yeah, yeah. में खा गए लोग और उसके बाद तुमने स्कूल खोला तो तुम सिर्फ एक्टर नहीं हो अच्छे इंसान विच इज मोर इम्पॉर्टेंट बींगटर

बबलू मुखर्जी थैंक यू जी विद यू यू लव शक्तिमान ऐसे था जी मैं नहीं घूम सकता वैसे बाय okay. लव यू तो ये थे हमारे आज के मेहमान बबलू मुखर्जी सन ऑफ ग्रेट कॉमेडियन एक्टर कैस्टो मुखर्जी आई यूस्ट टू लव हिज फादर आई यूस्ट टू ऑलवेज एंजॉय हिज एंट्री वो जो छाप जाते थे, वैसे ही the great father, the great son. I mean, मैं एक्सपेक्ट करता था कि उनके फादर जितने जिंदगी में जितने रील के ऊपर जितने कॉमेडी uh, ये वो थे रियल लाइफ में सीरियस थे मुझे मालूम पड़ा ये भी इनको भी जो मैंने बुनाया था मेरे दिमाग में ये था कि बबलू मुखर्जी मुझे याद है कॉमेडी करते थे अच्छी बहुत कहीं कहीं मैं उनका मैंने कहा ये आएंगे उछलते छुतते करते करते आएंगे हाथ में रेडियो होगा उसको ये होगा पर ये फादर सीरियस विद वर्क सीरियस सीरियस विद विद लाइफ ड्यूटीज जिम्मेदारी बच्चों को लड़के दो लड़के जुड़वा एक लड़की पढ़ाना उनको स्कूल खोला इन्होंने आई 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 वॉज टेकन अ बैक मतलब बट uh, अतलब uh, मुझे लगा कि देखिए हमारी इंडस्ट्री जो है आप लोगों को समझना चाहिए ये कोई सिर्फ जिसको एक जमाने में तो हमारे यहाँ पर एक एक कहावत थी यार कहाँ भांड बनने जा रहे हो तुम तो? ये बड़े बड़े फादर मदर अपने बच्चों को बोलते थे क्या तुम ना नाचोगे जाके वहां पर आज वो नहीं आज आज सीरियस बिजनेस एक्टिंग इज इज सीरियस सीरियस बिजनेस एक्टर्स हैव बिकम नाउ विद 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 देयर 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 करियर इन्वेस्टमेंट लाइफ इट नो लॉन्गर कि साथ साथ गाड़ियां होनी चाहिए इनकम कुछ नहीं होता जब तक फिल्म चली तो ठीक है फिल्म में बंद हुई प्रोड्यूसर ने बंद कर दिया गाड़ियाँ बिक जाती हैं बिल्डिंगें बिक जाती हैं घर बिक जाते हैं बबलू से मुझे मालूम पड़ा कि आ, कैसे उन्होंने अपने आ, चंद साल फादर के बाद में और फादर को इन्होंने प्रॉपर देखा भी नहीं था जैसे मैंने पिछली बार रजत बेदी को भी कहा था उसने भी कहा मुझे भी अपने फादर याद थी अच्छा लगता है जब मेरे फादर की बात कोई बताता है तो इनका भी यही था कि इन्होंने फादर को नहीं देखा तो ये फादर की छत्र छाया में नहीं घूमे स्टार बनकर इन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई और धीरे धीरे उन्होंने अपना मुकाम बना के एक के ऊपर फिल्म की शर्म मुझे आनी चाहिए मैंने सिर्फ साठ फिल्मी <laughs> खैर वो अपनी अपने लोगों की अपनी अपनी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है आ, अच्छा अच्छा इंटरव्यू रहा मुझे भी इनके बारे में जानना था क्योंकि हमने कभी काम नहीं किया था साथ में मैं मैं मुझे ये लगा था कहीं कहीं हम टकराए होंगे और इन्होंने भी कहा कि कभी काम नहीं किया आपके साथ में बट 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 आपको देखते 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 रहते 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 तो विच विच आई आई ओ टू देंस दैट दे रियली गिव यू लव दे के उन्हीं के लिए हम काम करते हैं हम आप लोगों के लिए काम करते हैं uh, जब कोई आदमी ऑडियंस uh, को नकारता है कौन है तो हर इधर हर इधर मुझे बुरा लगता है यही लोग हैं जो आपको आपको बनाते हैं और यही लोग आपको ऊपर लेके जाते सो so, uh, अच्छा लगा दिस इज अनदर स्टार सन आई हैल्ड इसके पहले अजीत साहब के लड़के को मैंने बुलाया था मेरे दिमाग में आया कि मैं बड़े बड़े एक्टरों के सेकंड जनरेशन को बुलाऊं, सो दिस दिस बबलू वाज़ द सेकंड इन दैट दैट सीरीज़ मैं शायद जॉय मुखर्जी साहब अदर उस ज़माने में फिर आया दिल कौन सा आया गाने गाने गाते तो अच्छे रोमांटिक हीरो हुआ करते उसका लड़का उसको भी मैं बुलाना चाहूँगा और सी मैं कौन कौन आके मेरे को मिलता है बिकॉज मुझे जानने का मौका मिलता है कि उनके फादर कितने ग्रेट थे कम so, दिस अगली बार कौन महानुभाव होगा गेस्ट कौन आपसे बात करेगा कौन आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताएगा मुझे भी नहीं मालूम लेकिन मैं रहता हूँ तो देखते इस बार मैं कुछ थोड़ी ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ अपने तो तो बड़े बड़े आर्टिस्टों के पास hmm. जिस तरह मैंने काम किया है। उनसे मिलेगी तो so, देखते हैं अगली बार कौन आपके सामने आएगा वेट कीजिए